Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah. Banda baz auqat apne kiye ka natija dekhta hai. Ek machhera tha, machhri pakad raha tha, isme ek bahut badi machhli uske haath mein aa gayi. Ek badmash door se dekh raha tha और उसने देखा इतनी बड़ी मछली, बड़ा हैरान हुआ, ताज्जुब हुआ, उसके पास गया और धौंस देकर कहा कि ये मुझे दे दे। उसने कहा बड़ी मेहनत से कमाई है और आज बेचूंगा अपने बच्चों के लिए, कुछ रोजी कमाऊंगा, तुम खरीद लो। कहा शराफत से मुझे दे दे, मैं कह रहा हूँ, और उससे छीन कर वो चलता बना। मजदूर आदमी था, वो कुछ कर नहीं सकता था। मजलूम आदमी ने दोबारा मेहनत शुरू कर दी उसको जाता हुआ देख कर। खैर वो मछली को लेके जा रहा था, जब मछली ताजा ताजा समंदर से निकलती है या दरिया से निकलती है तो वो तड़प रही होती है जी। तो इस तड़प के दौरान उस मछली ने उस बदमाश के अंगूठे पे काट लिया। अल्लाह, अब वो बाइट जो था वो जख्म बन गया। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, कहा ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया जख्म, ये अंगूठा काटना पड़ेगा। अल्लाह, ठीक है काट दो। डॉक्टर ने कहा वरना हाथ खराब हो जाएगा। वो अंगूठा कट गया, अब वो जख्म फिर भी सही ना हो, फिर तकलीफ, तड़प रहा है। अब डॉक्टर के पास गया, भाई अंगूठा कट गया अभी सही नहीं हो रहा। कहा जख्म तो बराबर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक काम करो हाथ काट दो, पंजा काट दो वरना ये और ऊपर चढ़ जाएगा। अल्लाह, अब मरता क्या ना करता, ये हाथ भी कटवा दिया, पंजा कटवा दिया, लेकिन फिर वही तकलीफ, तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ली। यहाँ तक के मजीद ऊपर कलाइयों पे वो दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर के पास गया, भाई जख्म भी खत्म नहीं हो रहा और ये दर्द भी नहीं जा रहा। डॉक्टर ने कहा ये ऊपर कोहनी पे जा रहा है, तुम कोहनी तक हाथ कटवा दो वरना ये तुम्हारा मजीद जख्म खराब हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। उसने ऊपर कोहनी तक हाथ कटवा दिया, लेकिन वही दर्द जा नहीं रहा, यहाँ तक के बाजू उसको पूरा काटना पड़ गया। इस दौरान इसको कोई शख्स मिल गया, अल्लाह वाला था। उसने कहा तू कुछ याद कर के तूने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की। उसने कहा कि हाँ वाकई ये जो जख्म हुआ था ये ज्यादती के सबब ही हुआ था। मैंने एक शख्स से मछली छीनी थी और उस मछली ने मुझे बाइट किया था। उस शख्स ने कहा कि हो ना हो ये उसी की बद्दुआ का नतीजा है, जा और उससे माफी मांग वरना जैसा तूने किया है वैसा ही भर रहा है तू। अब वो पूरे शहर में उसको तलाश करे, यहाँ तक कि वो मछेरा उसको मिल गया। वो उसके पास जाके उसके कदमों में गिर गया, उससे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। उस भले मानस ने उसे माफ कर दिया और मामला खत्म हो गया। लेकिन उसने आखिर में जाते हुए एक बात पूछी कि क्या तुमने कोई ऐसी बात, कोई दुआ की थी मेरे बारे में? तो उस मछेरे ने कहा कि मैंने कोई बददुआ तो नहीं दी थी, अलबत्ता मैंने, मेरे जबान से ये जुमले अदा हो गए थे, निकल गए थे कि अल्लाह आज इस शख्स ने जिस तरह अपना पावर मुझे दिखाया है, अपना जोर मुझे दिखाया है, ए मौला तू उसे अपनी ताकत दिखा। अल्लाह, बस मेरे मुंह से ये निकला था और अल्लाह ने तुझे ताकत दिखाई है। और फिर खैर उसने वहां माफ किया, या अल्लाह की रहमत से उसका ये जख्म सही हो गया। मुसलमान भाइयों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। ऐसे कई वाकयात होंगे, आज किसी ने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया, कल उसके माँ बाप के साथ बुरा होता है। Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawat